के नुकसान पर तमाम शायकीन को मैनेजमेंट की तरफ से खुशामदीद। हेलो हेलो हेलो, आसिम राजपूत आ जाए। उठता हुआ शॉट, देखना पड़ेगा, फील्डर की पहुंच से दूर होगा ये छह रन। अरबाज, हियर वी गो। इंडिया, ओ इट्स ड्रॉप। अच्छी नब्बे पे विकेट बॉलिंग कर रहे हैं स्टोन यूनाइटेड के बॉलर। बहुत लंबा शॉट, इट्स ह्यूज आउटसाइड द ग्राउंड, इट्स सिक्स रन। वसीम शेख, सामना करेंगे उनका अली। बहुत लंबा शॉट, इट्स आउटसाइड द पार्क, इट्स सिक्स रन। ब्यूटीफुल बॉय। एक और हॉटेस्ट मैन, अच्छा शॉट, कैसा हो सकते हैं। ओह ऑफ द मैन, अपने इनिंग को साथ देते देते बस एंड के आगे इनिंग की इनिंग का खात्मा हुआ। बहुत ही उमदा शॉट, आउट ऑफ द ग्राउंड, सिक्स रन। ब्यूटीफुल। एक बार फिर बहुत ही उमदा शॉट। लास्ट ओवर उन्होंने यूनाइटेड के लड़कों ने जो हासिल किया है अपनी टीम के लिए। आखिरी बॉल, हियर वी गो। अंपायर ने क्रॉस किया, इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट एंड इतना ही ब्यूटीफुल। बॉलर वंस अगेन पाकिस्तान ने दिया इनसे। ओ चेरास, oh my god, my second once again, और पीछे क्या रहा बॉल, चार रन के लिए बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। और कनप अब्दुल समद और अबू बकर, तो प्यारी प्यारी शख्सियत हमारे दरमियान। बॉलर वंस अगेन लेफ्ट बाय स्टेशन, शॉट इज बार नीचे जनाब, दूसरा मैक्सिमम। एक बार रन आ गया, एक पहले ओवर में 16 रन आते, और दूसरा ओवर में एक बॉल पर रन आ गया, एक दूसरा बॉल अभी गो, शॉट अगेन, सिक्स रन अगेन। गेम बाई स्लॉट, अच्छा बॉल किया है। धीरे धीरे तारिक शाह अबू बकर के करीब होते हुए एक कुर्सी का फासला रह गया। और जो आदि के पेज पे यूट्यूब पे भी दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दोनों चैनल जो है। और इस बार डिपार्चर के छह रन के लिए टॉस एरिना में आ जाए। और इस बार भी काफी लंबा चक्का और गेंद को पहुंचाया है, चला गया तीसरे ओवर करवाने के लिए। तीसरे ओवर का पहला बॉल करेंगे काशिफ, वन से गए पहला बॉल, ओ माय गॉड, छह रन, क्या बात है यार, काफी जा रहे। टंडू यार खान छोटे, और शॉट अगेन, गेंद को बचाए कमरा नंबर 38, खिड़की नंबर 36 और बंगला नंबर। हसने अपने बॉलिंग मार्क से आए बॉल की, और नतीजा नतीजा वही छह रन। बॉलर अगेन लेफ्ट द स्टेशन, शॉट इज बार, गेंद बॉल फ्लैट में जाएगी खाली प्लेट में, बढ़िया शॉट, लॉन्ग 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 अवे, गेंद शॉट अगेन, सिक्स रन अगेन, क्या बात है यार, स्कोर लेवल कर दिया है, एवरेज बॉलर से हुआ है, गेंद को बचा के लिए गेम। उम्दा आवाज के बाद पहली बॉल में अच्छी शॉट, कैच हो सकता है और बार का फैसला देखना पड़ेगा। ह्यूज ह्यूज सिक्सेस देखने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट हमने इनकी तरफ से एक ही छक्का देखा है, जो कि काफी एक बार फिर चेंज ऑफ द पेस, टोटली बीट हुए।
बाद एक बार फिर अच्छी शॉट, लेट्स सी कैच हो सकता है, मैच हो सकता है, ओ ड्रॉप, अच्छी ट्राई, देखना पड़ेगा अंपायर का फैसला। कुछ स्कोर में हलचल नजर आते हुई, वो भी एक्स्ट्रा की सूरत में, और ऑन द शॉट, डेढ़ आए, दुरुस्त आए, हवा में आए, छह रन आए, ब्यूटी। इस बार उठा है अशरफ ने खिलाड़ी बॉल के नीचे, और ये अनाउंस करो, ये तीनों बंदों ग्राउंड के अंदर आए, एक दो तीन आ गए, और ये बिलाल ने खेला है छह रन के लिए। फसीउल्लाह खान नियाजी को यूपीएल मैनेजमेंट की जानिब से उठा दिया मिड विकेट के ऊपर, फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन फील्डर इस बॉल को सिर्फ देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बाउंड्री के बाहर, बुलंद वाला छक्का। बिलाल खालिद ने मौसम वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, गाड़ी मारो और ये इस बार फिर बिलाल खालिद के खेले और गिरा वो बाउंड्री के बाहर। अब तक तीन बुलंद वाला छक्के लगा चुके हैं अपनी इनिंग के। बिलाल खालिद सामना करेंगे अभी उस्मान का, खिलाड़ी बॉल के नीचे आते हैं, लेकिन बॉल उठा दिया है, और इस बार बाउंड्री के बाहर। उनकी नलाज बॉल और सात रन दूर है अपने 50 से। ओहो कैसे बनेंगे, के ऊपर से छह रन के भले हो ना हो करेगा, और ये पहली वेलकम बाउंड्री उठा दिया है, ये छक्का शफी नियाजी ऑन सॉरी नहीं उठा दिया है, कौन लाएगा इस बॉल को, छक्का उठा दिया है, ये बॉल फील्डर बॉल के नीचे, देखना होगा दोबारा, मिड विकेट के ऊपर बोल दिया है, फील्डर बॉल के नीचे, और ये नुकसान, बहुत बड़े विकेट का नुकसान शफी नियाजी की सूरत में। इस बार फिर उठाया है बॉल हवा में, अच्छा वो आगे साइड पर, वो आप फेस पे, और इस बार ड्राइव किया सलमान हुआ मौजूद बॉल को, ओ एक अच्छी बॉल, और उठाया इस बार सलमान बॉल के नीचे, और बॉलिंग के पीछे बाउंड्री के बाद 36 रन दूर अभी अपनी जीत से, रॉक स्पॉट, और एलसीसी भरपूर कोशिश करती हुई सर रखते हुए इस दौरान उस्मान ने फ्लिप किया, और ये दूसरे रन की कॉल की तेजी करनी होगी, और ये थ्रो रॉन्ग हाइट पे, और ये और थ्रो के साथ एक और दौड़ लगा दी है, लेकिन एम्पायर का इशारा आउट, 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 आउट
और एक अच्छी बॉल, अंपायर का इशारा अपील करते हुए। एक बार फिर बॉलर अंपायर को क्रॉस किया और बॉल लीवर की पहली बॉल, अच्छा शॉट, कैच हो सकता है और कैच। शाम्स इस बॉल पर इनको हर हाल में बाउंड्री करना लाजमी, वरना मैच का रिजल्ट यकतरफा होने के बराबर। अच्छी बॉल, भेजना वाइड। एक बार फिर बॉलर अंपायर का क्रॉस किया, बॉल डिलीवर की, अच्छी शॉट, इट्स यू, कैच होने का खतरा, लेट्स सी। और अंडा कैच, उतने ही प्यार पर एटलीस्ट 3-6 मारने होंगे। एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया और अंपायर का फैसला राइट बॉल, गेंद के ऊपर फैसला। एक बार फिर और एक बार वाइड बॉल, एक बार फिर बॉलर बोले दौड़े अंपायर को क्रॉस किया, बॉल लिवर की, अंपायर का फैसला वाइड बॉल। मैच को फुल जॉब फॉर योर टीम, यू ब्यूटी। एक बार फिर हियर वी गो, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, ताकि मैच को फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए लेके जाया जाए। थैंक यू। और एक बार फिर बॉल की वाइट बॉल, अब भी वाइट कर रहा है बॉल, वाइट। यार और ये फाइनल ऑफ द मैच, सेलिब्रेशन, वेल डन लड़के। और अच्छी बॉल स्टेट की तरफ खेल रहा है फील्डर मौजूद सलमान, खुद थोड़े से फंबल हुए लेकिन मिस दो रन लेने में कामयाब। शफीक सामना करेंगे वसीम का, उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, वेलकम किया बाउंड्री के साथ। शफीक बॉलिंग मार पे मौजूद, सामना करेंगे वसीम। दोबारा चांस लेना चाहते थे लेकिन कनेक्ट ना कर सके और अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट। शफी बॉल उठा लो, और ये भरपूर फायदा फ्री हिट का। वही ना, नमी की वजह से छूट रही है ना टेप, दूसरी कर देना। उठा दिया है बॉल को फील्डर बॉल के नीचे, बॉलर खुद है और ये कैच ड्रॉप। अच्छी बॉल और ये भरपूर फायदा उठाते हुए स्टेज पे पहुंचाया इस बॉल को। मिडन की तरफ खेल लिया है, कवर है, कवर की तरफ खेल चुके हैं, दो बॉल है, दो मैक्सिमम। काशिप भाई जी, भाई आपका बैट्समैन खेल रहा है, अब आप करो मेहनत करो भाई, यही बोले दो बस। अब तू साफ करके दोबारा दे, आ रही है बोल, अल्लाह करे आ जाए टीम न्यू तो। ओ यही नतीजा, उसने आगे मुझे क्या बोला है उसके लिए। एक बार फिर उठाया है और ये इस बार चार रन के लिए। अर्जेंटीना दो मार दी, जीत गया, जीत गया अर्जेंटीना, जीत गया भाई, फाइनल तक पहुंचे ना हारने के बाद। ओ मिड विकेट की तरफ जाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के पास, स्कोर जा पहुंचा 51। उठा दिया स्टेट की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं, फील्डर से इस बार पे सामना करेंगे वसीम। मिल
कवर की तरफ खेल लिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन कोई चांस नहीं दोनों फील्डर के बीच में। दोबारा कवर की तरफ खेल लिया है, फील्डर मौजूद है और ये मिस फील्ड का नतीजा बाउंड्री। 67 कम में अभी भी सही है। ओ छक्का, कौन है बॉलर? पापा लेकिन वो है ना, कोई भी नहीं है। ओ पूरा सन्नाटा है वहां पे, कोई फील्डर मौजूद नहीं। वेलकम, खेल लिया मिड विकेट के ऊपर और ये 6 रन्स। एक शॉट खेला नहीं मैंने। कवर की तरफ खेल चुके हैं लेकिन फील्डर मुमकिन है लास्ट बॉल इस ओवर की। खेल लिया स्टेट की तरफ, फील्डर मौजूद है और ये नोमान के हाथों में कैच। एक और बॉल और एक और छक्का, एक मैच हारे हैं और ये झंडा उठाते ग्राउंड की तरफ। डॉट 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 देख बंद करो, कुछ भी नहीं, कोई बहुत बहुत मुबारक हो ब्रदर्स 11 को। मोबाइल डालो, नहीं बेटा बॉल थोड़ी है, बॉल ऐसी खेलने के लिए नहीं है, बॉल मांग रहे यार काम से कोई। DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, champion, 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 और यहां तक पहुंची तो मैं जितने शायकीन यहां मौजूद है उनसे गुजारिश करता हूं कि मैनेजमेंट और हर पार्टिसिपेटिंग टीम के लिए क्लैपिंग सबसे पहले होनी चाहिए। तकरीबन 31 मैच खेले गए इस पूरे टूर्नामेंट में और हर मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का रिवॉर्ड था कैश जो हर प्लेयर को मिलता गया।
हमारे साथ यहाँ कुछ मेहमान खुसूसी भी हैं, कुछ हमारे अपने करीबी लोग भी हैं जो हमारे साथ साल के 12 महीना क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे लिए रिस्पेक्ट के काबिल हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा शहजाद पटोली यहां आए। शहजाद पटोली, अब मैं हमारे बीच में जो सीनियर मौजूद है, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है टूर्नामेंट के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से, मैं उनको यहां दावत देना चाहूंगा, मिस्टर परफेक्ट फैसल बिलवानी। फैसल बिलवानी अपना रिवार्ड वसूल करेंगे शहजाद पटोली से। सरप्राइज है फैसल भाई, यही रुकेंगे आप, एक मिनट यही रुकेंगे। एक और हमारे दरमियान, हम उम्र ही है लेकिन तजर्बा शायद मुझसे ज्यादा है, फुरकान अब्दुल रजाक यहां तशरीफ ले आए। काशिफ जहरी फुरकान को अजरा को और गिफ्ट देंगे एफसीएल सीजन 2 की यादें ताजा करते हुए। फुरकान भाई आप भी यहीं रुकिएगा। तीसरे हमारे सीनियर हैं टीम कार्लटन से उनका ताल्लुक अब्दुल रजाक, मैं गुजारिश करूंगा यहां है, वो चले गए हैं, उनके बिहाफ पे अगर कोई रिसीव करना चाहे। अब्दुल कादिर, अब्दुल रजाक के बिहाफ पे आप रिसीव कर ले काशिफ अहमद से। शुक्रिया काशिफ भाई। अब उन लोगों को रिवार्ड दिया जाएगा जिनकी मेहनत थी इस पूरे इवेंट को कामयाब बनाने में, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, तगोदुब की ताकि इस इवेंट को इतना कामयाब बनाए कि आखिर में लोग कहें कि बेहतरीन इवेंट था, अच्छा ऑर्गेनाइज था। उसमें सबसे पहला नाम आता है काशिफ जहरी, वो अपना रिवार्ड वसूल करेंगे फैसल बिलवानी से। अभी ऐसे ही दे दो, बाद में घुमाते रहना। दूसरे हमारी मैनेजमेंट के जो मेंबर हैं, बड़े हैं उम्र में, सीनियर हैं, बड़े भाई की तरह हैं, काशिफ अहमद फुरकान अब्दुल रजाक से अपना रिवॉर्ड वसूल करेंगे। अब मैं नाम लूंगा, वो दो शख्सियतें लेकिन यूनिट एक है, इसलिए आप दोनों से गुजारिश करूंगा मिलके उनको दीजिएगा, अलीम रजा और फहीम रजा। आदि मानो किसके नाम पे फहीम थी। ओके अली भाई, अली कासिम, फहीम, अलीम, अली भाई का है वो चले गए।
नहीं नहीं छोड़ दो ओके। मैं गुजारिश करूंगा वासे वकास और काशिफ अहमद यहां तशरीफ लाए। वासे वकास और काशिफ अहमद यहां तशरीफ लाए। इस पूरे इवेंट में जिन्होंने ऑन फील्ड मेहनत की है, सबसे पहले उन दोनों इंपायर्स के लिए क्लैप होनी चाहिए, इतनी कि वो यहां तक आए तो क्लैप ना रुके। दोनों इंपायर से भी गुजारिश है कि वो यहां आए और अपनी शील्ड वसूल करें। काशिफ जहरी और शहजाद पटोली से गुजारिश है यहां तशरीफ लाएं। काशिफ जहरी ओके। अब हमारे जो मेहमान हैं, जो मेहमान खुसूसी हैं, उनको इस स्टेज पे, इस जगह पे बुलाने की गुजारिश करूंगा। सबसे पहले सैयद आमिर शाह से गुजारिश करूंगा वो यहां आए, शहजाद भाई से अपना रिवॉर्ड वसूल करें और यहीं रुकिएगा आमिर भाई आप भी। आमिर भाई आप यहीं रहिएगा। हमारे एक और मेहमान है जो यहां मौजूद है ग्राउंड में, बिलाल नियाजी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। रास्ता दीजिएगा बिलाल नियाजी आप दे आप। इसके बाद एक और मेहमान है हमारे यहां हमारे दरमियान मौजूद, बाबर नियाजी साहब, वो भी शहजाद पटोली से अपने रिवॉर्ड वसूल करेंगे। एक और मेहमान जो हमारे दरमियान मौजूद है, खालिद राय साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो यहां आए अपना रिवॉर्ड वसूल करें। नहीं नहीं आप रुके सर, आप रुके, आप ना रखवा देंगे बस। ओके खालिद भाई नहीं है, इनकी जगह बिलाल नियाजी साहब उनका रिवॉर्ड वसूल करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा आमिर भाई से कि कुछ हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं नाम लेता जाऊंगा, आप आते जाए अपना रिवॉर्ड लेते जाए। साद अली
साद अली यहां मौजूद है, वासे वकास, वासे वकास, ए बी उस्मान, ए बी उस्मान, शेर देते जाओ, देते जाओ, देते हिदायत, सद्दाम, सद्दाम, सद्दाम नियाजी, वजाहत, पोलानी, फैसल पोलानी, और आखिरी नाम है अवेश साद, अवेश साद। ओके ओके, शुक्रिया आमिर भाई। बाकी दोनों मेहमानों से गुजारिश है आप रुकिएगा सरकार, बाकी रिवॉर्ड्स हैं जो आपने देने हैं। तो अब जाएंगे फाइनल रिवॉर्ड की जानिब। मैं सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट एक और नाम है फसीउल्ला खान नियाजी साहब, अगर वो हमारे दरमियान मौजूद है तो हमारे मेहमान खुसूसी से अपना रिवॉर्ड वसूल करें। वजहत अगर आ चुके हैं तो वो भी अपना रिवॉर्ड वसूल कर लें। मैं हमारी मैनेजमेंट के दो यंग लोगों को दावत दूंगा, फहीम रजा और अलीम रजा, एक मिनट के लिए आप दोनों यहां तशरीफ ले आए और आपके जरिए इस टूर्नामेंट के आज के तीन मैच जो खेले गए उसका पहला सेमीफाइनल खेला गया था ब्रदर इलेवन बा मुकाबला टीम यूनाइटेड, उसके प्लेयर ऑफ द मैच थे वसीम शेख, वो आप दोनों भाइयों के हाथ से मैन ऑफ द मैच का रिवॉर्ड वसूल करेंगे। शुक्रिया अलीम भाई, फहीम भाई, मैं दानिश मीर एक मिनट, और अब्दुल कादिर आपसे भी गुजारिश है एक मिनट यहां तशरीफ ले आए। अब्दुल कादिर से गुजारिश है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ अली कासिम, अली कासिम की ट्रॉफी वसूल कर ले हमारे मेहमान खुसूसी से, और दानिश मीर भी आ जाए उनके साथ क्योंकि आपका और उनका साथ है क्रिकेट एक्टिविटीज पे, आ जाए एक एक हाथ लगा ले, वजन भारी है अली भाई के वजन के मुताबिक बनाइए। और आप दोनों भी कुछ देर के लिए रुकिएगा सिर्फ। दूसरे सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच थे जिन्होंने यक्सर ही मैच को पलट के रख दिया था, शुरू की चार गेंदों पर सिर्फ तीन रन बनाए थे और आखिरी की आठ गेंदों पर
46 रन बना के नाकाबिल शिकस्त। 49 रन की इनिंग के लिए और आखिरी ओवर में 2 विकेट लिए बिलाल खालिद। फैसल पोलानी था ना यार, कहाँ है फैसल पोलानी साहब से रिक्वेस्ट है कि वहां यहां तशरीफ लाए, एक रिवॉर्ड उनके हाथ से भी दिलवाया जाएगा। फैसल पोलानी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं शुक्रिया। फाइनल मैच जो कि बड़ा ही बजाय एक तरफा हुआ, लेकिन एक तरफा होने के लिए उस शख्स के लिए है मैन ऑफ द मैच जिसने आखिरी के 2 ओवर में पूरा मेला लूटा, जनाब वसीम शेख। हाँ वो दे देना ना साइड पे दे देना। और ये कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है वासे वकास की जानिब से, जो बाद में वापसी लिया जाएगा। शुक्रिया फैसल भाई। एक अवार्ड वो है अवेश को जो हमने नहीं दिया, अवेश साथ नहीं, नहीं वो अवेश उसके 4 टीमों में से एक टीम ओके बताई थी, नहीं बोला था खुशखबरी है जो 4 टीमें। अच्छा अवेश 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 वो है ना अवेश खान एक ही और एक ओके और एक रिवॉर्ड है जो एक प्रेडिक्शन पर दिया गया था। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और टॉप फाइनलिस्ट के नाम बताने थे, हर किसी ने अपना लक आजमाया और उस लक में कामयाब रहे। गार्डन वॉरियर से ताल्लुक अवेश खान अपना रिवॉर्ड वसूल करेंगे, एक सरप्राइज गिफ्ट है अवेश खान के लिए मेहमान खुसूसी से हमारे। ओके हो गया भाई, खत्म हो गया, वो छोड़ दे उसको। अब हम बढ़ेंगे आगे की जानिब। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें थी, हर टीम में एक से एक नायाब बॉलर था जो विकेट लेने और सामने बैट्समैन को तंग करने की कोशिश करता था, लेकिन इस टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर रहे, शायद वो यहां मौजूद नहीं, उनके बिहाफ पे कोई लेना चाहे, टीम यूनाइटेड के साजिद खान। टीम यूनाइटेड के साजिद खान अलीम रजा आप ले लें, फहीम रजा साजिद खान टीम यूनाइटेड के टॉप विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के। पहले से निकाल के रखो ना यार, ओके ना जो भी है दो ना, अरे अभी ऐसे ही देते लिफाफा घुमा लेना यार। अब इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर, काफी कोशिश की कि वो मैच कर पाए लेकिन कुछ सिर्फ 23 रन का फासला, वसीम शेख 23 रन से आप पीछे रह गए। लीडिंग टॉप स्कोरर अशरफ खान। अशरफ खान ये छुपके ले लो, किसी की जेब से निकला। शुक्रिया, मैं दोनों मेहमान खुसूसी
बाबर नियाजी और बिलाल नियाजी से गुजारिश करूंगा दो मिनट के लिए सेंटर में आ जाएं। अब हम जाएंगे रनर अप ट्रॉफी की जानिब। काफी मेहनत की पूरे टूर्नामेंट में, कोशिश थी जीत की लेकिन कुछ ना कुछ तो रह जाता है। इमरान इकबाल भाई से गुजारिश करूंगा कि आके रनर अप की ट्रॉफी और अपना रिवॉर्ड हासिल करें। ये सर 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 बहुत सारा इमरान भाई उसका वक्त है जिसका इंतजार, जैसे मैंने कहा 16 टीमें कर रही थी, लेकिन अफसोस ये कि उस बंदे को मैं तकरीबन 2007 से जानता हूं, उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। खास के यहां बच्चे की विलादत हुई, उसकी शादी हुई, दो टूर्नामेंट जीत चुका, अब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है बड़ी मुश्किल से। वासे वक्कास वकास मैं अपने दोनों मेहमान खुसूसी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, शुक्रिया। शुक्रिया सर। जिशान जी।